हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और जैसा कि आपको पता है कि दोपहर को 3 बजे इस वक्त हम संस्कृत की क्लासेस देख रहे हैं। बाकी इस क्लास जो है आपके वो इसी टाइम पे चलने वाली है सुपर टेट की, और इंग्लिश की जो सुबह चल रही है करंट अफेयर की रात में 9 बजे चल रही है। खैर, स्टार्ट करेंगे सेशन। और आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग सा है। क्वेश्चन जो है कम है, लेकिन क्वेश्चन परफेक्ट हैं जो ऐसे एग्जाम में आते हैं, वो है अनुवाद से। जनरली इस टाइप के संस्कृत अनुवाद वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि कोई सेंटेंस दिया है और उसका संस्कृत अनुवाद, चार ऑप्शन दे देता है, इसमें एक ही सही होता है और आपको बताना होता है कि कौन सा सही है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और बेसिक जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे कलेक्ट मैंने किया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही करें। अब स्टार्ट करें सेशन, उसके पहले मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ। अनुवाद वाले प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपका कारक, विभक्ति, शब्द रूप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, कहाँ पे कौन सा विभक्ति उसका रूप प्रयुक्त होगा ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ धातु रूप है ना, किस सिचुएशन में कौन से धातु रूप का प्रयोग होगा, कौन से लकार का यूज़ होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये दोनों ही मैंने थ्योरी पढ़ा रखी है अच्छे से, डिटेल से, एक एक अलग अलग चीज़ सूत्रों को की व्याख्या के साथ पढ़ा रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लीजिए। संस्कृत नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिलेगा। संस्कृत की कई सारी प्लेलिस्ट है, पैडागॉजी की अलग है, हर चीज़ की अलग है, पर एक संस्कृत नाम की प्लेलिस्ट होगी, इसमें थ्योरी वीडियोस होंगे। वहाँ पे आपको सारे ही कारक विभक्ति के वीडियो, धातु के और शब्द रूप के वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप समझ लीजिए। तो अब चलिए स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए देखते हैं, तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सेना छावनी में रहती है। सेना छावनी में रहती है, तो इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है। सेना कटकम उपवसति, सेना कटके उपवसति, सेना कटकांत उपवसति, सेना कटकस्य उपवसन्ति। हमेशा मैंने बताया है अस्य लग गया तो वैसे भी का हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेना सेना में जो है तो ऑब्वियसली विसर्ग लगेगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, वो सीधे सीधे हो जाता है, बाकी सब में विसर्ग नहीं। यही बहुत बड़ा एक हिंट मिल जाता है आपको कि करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सेना जो होती है उसमें कई सारे आर्मी पर्सन्स होते हैं, ये एक कलेक्टिव नाउन जिसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, उसे ये इस रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु गुरुकुल में रहते हैं, रहता है, तो यहाँ पे रहता है इस लगाया इस सेंस में कि ये एक वचन है गुरु। ठीक है, तो गुरु गुरुकुले अधिवति, गुरु गुरुकुले अधिवसति, गुरु गुरुकुलस्य अधिवसति, गुरु गुरुकुलाय अधिवसति। अब देख रहे होंगे आपकि सब कुछ तो वही है, ये वाला मान लीजिए ए ऑप्शन अगर देख लेते हैं तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिवति लिखा है जो कि गलत वर्ड है, अधिवसति होता है रहने के लिए, तो ये तो बस नहीं होगा। बाकी के जो आप तीन देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये सेम है, ये भी सेम है। तो घुमा फिरा के जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई कि अगर आपको विभक्ति का प्रयोग जो है पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो एक जगह है गुरुकुलम, गुरुकुलस्य, गुरुकुलाय, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, गुरु गुरुकुलम अधिवसति, यानी गुरु गुरुकुल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चोरों को धिक्कार है, चोरों को धिक्कार है, धिक्कार के लिए प्रयुक्त होगा यहाँ पे क्या, धिक चौरम, धिक चौरेण, धिक चौरान, धिक चौराया। तो को के लिए जो प्रयुक्त होगा है ना, चोरों को, ध्यान दीजिएगा कारक चिन्ह आपको याद होने चाहिए सारे, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे करके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी प्रयुक्त होता है, धिक चौरान, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको मैंने डिटेल से पढ़ाई है कारक विभक्ति, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डिटेल से पढ़ाई है। सभी विभक्ति का एक अलग अलग वीडियो होगा, उसमें सभी विभक्ति के सूत्र को व्याख्या करके उसकी और विद एग्जाम्पल समझाया है। आप एक बार देखेंगे तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें जो आप अभी एक बार उनको देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो फिर से देखिएगा, आपके ज़्यादा आंसर सही होंगे। लंका के चारों ओर समुद्र है, लंका के चारों ओर समुद्र है, चारों ओर वाला जो सूत्र आपका बनता है तप्रत वाला, उसके हिसाब से यहाँ पे लगेगी विभक्ति। चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसका सही उत्तर। तो लंकाम सर्वतः समुद्र, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लंकाम ये टर्म यूज़ होगा, बाकी तब सब तो सेम ही है, सर्वतः समुद्रम, इसी बस में देखना है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड जो है सूटेबल बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूमि के नीचे जल है, भूमि के नीचे जल है, अब यहाँ पे भी जलम सेम है, अधो अध सेम है, भूमि के साथ में कौन सी रूप जो है प्रयुक्त होगा बस ये आपको देखना है। भूमिम
भूमे भूमौ भूमेन, भूमि के का के की। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमिम अधो अध जलम, यानी भूमि के नीचे जल है। नगर के दाएं ओर वन है, नगर के दाएं ओर वन है। नगराद दक्षिणतः वनम अस्ति, नगर दक्षिणतः वनम अस्ति। नगरस्य दक्षिणतः वनम अस्ति, नगरेण दक्षिणतः वनम अस्ति। चलिए देखेंगे क्या होता है इसका सही उत्तर। अगर आपने अभी तक गेस कर लिया है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, नगर के नगरस्य दक्षिणतः वनम अस्ति। बाकी सब सेम ही था, बस ये नगर का बताना था। तो नगर के दोनों तरफ वन है तो नगरस्य हो जाएगा। गांव जाते समय तृण स्पर्श करता है, ये एक मैंने सूत्र की व्याख्या की थी जिसमें ये था कि कोई काम जो अना मतलब कि न चाह कर भी वो काम का हो जाना, कर देना, ठीक है। तो उसके योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है, बताऊंगी नहीं, आपको खुद ही गेस करना है क्योंकि पढ़ाई हुई चीज़ है पहले ही। फटाफट से देखिए, ग्रामम गच्छन्तम तृणम स्पृशति, ग्राम गच्छत तृणम स्पृशति, ग्रामम गच्छत तृणम स्पृशति, या ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। चलिए देखेंगे क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, ये सही है। और ये यही वाला एग्जाम्पल बल्कि मैंने आपको विभक्ति पढ़ाते वक्त दिया भी था, एग्जैक्टली यही सेंटेंस। गाय से दूध दुहता है, गाय से दूध दुहता है। गाम पयह दोग्धे, गवह पयह दोग्धे, गवात पयह दोग्धे। उत्तर सही होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर एक, गाम पयह दोग्धे। भगवान को नमस्कार, अब नमः स्वतः स्वधा ये स्वाहा, ये वाले जो है एक सूत्र बताया हुआ था उसके हिसाब से यहाँ प्रयोग होगा। भगवान को नमस्कार, नमः नमस्कार के लिए यूज़ होगा। बाकी भगवानाय होगा, भगवता होगा, भगवते होगा, या भगवंताय होगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा भगवते नमः। वैसे भी तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि नमः मी के पहले क्या कौन से जो है विभक्ति प्रयोग होती है। हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें पढ़ी हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, अक्सर इस टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं। फटाफट से देखिए, हिमालय से गंगा निस्सरति, हिमालयेन गंगा निस्सरति, हिमवतः गंगा निस्सरति, हिमालये गंगा निस्सरति। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमवतः गंगा निस्सरति, ये सही आंसर हो जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, रामेण पुस्तकम पठति, रामस्य पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तकम पठति। और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रामः पुस्तकं पठति। सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे बालकः पुस्तकं पठति वैसे रामः पुस्तकं पठति हो गया। अधिक मत हंसो, ज़्यादा मत हंसो, क्या बोलेंगे इसको हम? अलम हसनेन अलम हसनम, मा हसतु अलम हसितेन। अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी तक का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। आपको भी आई थिंक पसंद आया होगा ये वाला क्वेश्चन। लाइक करिएगा वीडियो को प्लीज़ सभी लोग, आपके लाइक से देखिए मोटिवेशन मिलता है, और किसी को मोटिवेट करना ऑब्वियसली अच्छी बात होती है, तो कर दिया करिए। एंड चैनल भी न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। हमारा दूसरा चैनल एग्जाम डोज, वहाँ पे भी 100 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं जीके वगैरह के, सुपर टेट के लिए थोड़ा सा यूज़फुल रहेगा। चेक ज़रूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की। चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, अलम हसितेन, ठीक है। अधिक मत हंसो अलम हसितेन, ये इसको याद भी कर सकते हैं आप। आँख से काढ़ा है, यानी जब कोई अंग से कोई विकार का पता चलता है, ये मैंने समझाया था सूत्र में, तो उस अंग के योग में कौन सा मतलब के साथ उस अंग में पर्टिकुलर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वही अगर आपको ध्यान है तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
अक्षय काढ़ अक्षिभ्याम काढ़ अक्षण काढ़ अक्षरा काढ़। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है अक्षणा काढ़। तो जिस भी अंग से वो है विकार है, क्योंकि आंखों से यहाँ विकार है तो अक्षणा काढ़ हो गया, और काढ़ सेम रहेगा सभी में। धन से कुल बढ़ता है, धन से कुल बढ़ता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनेन कुलम एधते। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनम धनेन कुलम एधते। कुल बढ़ने की बात हो रही है, वैसे कोई चीज़ बढ़ने की बात नहीं हो रही कि कोई चीज़ है वो उसमें ज़्यादा, वो ज़्यादा हो गया, वृद्धि हो गई नंबर में, ऐसा नहीं है। राम ने रावण को मारा, ये भी बोर्ड एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, रामह रावणम हत, रामह रावणम हतवान, रामह रावणम हतवान, रामेण रावण हत। कई बार रावण की जगह बाली होता है, कई बार ये दोनों ही कुछ अलग रहता है, ठीक है, पर ओवरऑल यूज़ तो उसी तरह से चलेगा आपका जैसे इसमें चलना है। तो यहाँ पे रामेण रावण हत ये करेक्ट आंसर हो जाता है, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था। सीधा जाता है, सीधा जाता है, डायरेक्ट जाता है, मतलब सरलम गच्छति, सम्यक गच्छति, समेण गच्छति, समेन एति। सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपका बहुत ही सिंपल सा है, बाकी सब आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, मतलब कि एक जैसा लग रहा होगा, एक अलग है, और वही इसका सही आंसर है, समेन एति। समेन एति यानी कोई चीज़ सीधी चल रही है, बस उसके लिए ये टर्म यूज़ हुआ है। तो चलिए, ये हमारा छोटा सा सेशन था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।